दोस्तों, क्या आपने किसी बिल्ली को किसी सांप का शिकार बनाते हुए देखा है, या फिर किसी छोटे से बिच्छू को किसी बड़े से सांप को डसते हुए, या फिर किसी छोटे पक्षी को किसी बड़े सांप को लेकर उड़ते हुए देखा है? आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी अमेजिंग क्लिप आपको दिखाना चाहेंगे जहां पर सांपों ने अपने गलत दुश्मनों से पंगा लिया और वो उनको भारी पड़ा। रैबिट वर्सेस स्नेक। दोस्तों, वैसे तो ये बात सुनने में काफ़ी अजीब लगती है कि सांप और खरगोश की भी भला कोई लड़ाई हो सकती है क्या, क्योंकि खरगोश दिखने में शाकाहारी और काफ़ी मासूम जानवर है, वहीं स्नेक कैसा है ये तो आप सभी जानते हो। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि जब इन सांप ने इस खरगोश के बच्चों पर हमला करने की कोशिश की तो उसका अंजाम कुछ को कुछ इस तरह से भुगतना पड़ा। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से ये सांप खरगोश के बच्चों को खाने की कोशिश में लगा हुआ था। तभी वहां पर खरगोश की नज़र उस सांप पर पड़ती है और वो उस पर झपट कर टूट पड़ती है। खरगोश इतनी जोरदार तरीके से हमला करती है कि उसको देखकर सांप बुरी तरह से घबरा जाता है और वहां से भागते ही बनता है। लेकिन खरगोश उसका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं थी। सांप काफ़ी कोशिश करता है वहाँ से तेज भागने की, लेकिन खरगोश उसको बाउंड्री वाल से पकड़कर नीचे गिरा लेती है। अब सांप को समझ में आ गया होगा कि एक छोटा सा खरगोश कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इगुआना वर्सेस स्नेक। दोस्तों, वैसे तो इगुआना एक फास्टेस्ट जानवर है, लेकिन इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से सांपों का ये झुंड इस इगुआना के पीछे पड़ता है। क्या इगुआना इन सांपों को मात देकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो पाएगा? चलिए देखते हैं इस क्लिप में। जैसा कि इस वीडियो में देख सकते हो कि कहीं रेगिस्तान में ये सांप इस इगुआना का पीछा कर रहे हैं। देखने में तो ये सांपों का 3-4 झुंडी नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे क्लिप में हम आगे बढ़ेंगे वहाँ पर देखेंगे कि हजारों की संख्या में वहाँ पर सांप मौजूद हैं। वहीं इगुआना इनसे भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं एक इगुआना इन सांपों की चपेट में आ जाता है तो वहीं दूसरा अपने आप को सुरक्षित करने में कामयाब हो जाता है। इगुआना इतनी फुर्ती और तेज़ी से दौड़ लगाता है कि सांप उसका पीछा करने की सोच भी नहीं सकते। वहीं कुछ सांपों के चंगुल में एक इगुआना फंस जाता है और उसको लगता है कि अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ेगा। ये भी सांप काफ़ी कोशिश करता है अपने आप को बचाने की और इसी कोशिश में वो एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता है। कैट वर्सेस पायथन। दोस्तों, वैसे तो ये बात सुनने में अजीब लगेगी कि कोई बिल्ली और पायथन के बीच में कभी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि पायथन इतना पावरफुल जानवर है, एक बार वो किसी को अपने कुंडली में जकड़ ले तो उसके बाद उस जानवर का बचना लगभग नामुमकिन होता है। और बिल्ली जैसे छोटे जानवरों को तो पायथन बड़ी आसानी से पूरा ही साबित निगल सकता है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से बिल्ली यहाँ पर अपने बच्चों के साथ अपनी गुफा में बैठी हुई थी, तभी वहाँ पर एक अजगर आने की गलती कर देता है। अजगर कोशिश करता है उन बिल्ली के बच्चों को अपना निशाना बनाने की, तभी बिल्ली उनके ऊपर झपट कर टूट पड़ती है और पंजे के एक ही बार में अजगर को वहाँ से पीछे हटना पड़ता है। बिल्ली काफ़ी गुस्से में होती है और अजगर को देखते ही वो अटैकिंग मोड में आ जाती है और अजगर के ऊपर हमला करने से भी नहीं हिचकिचाती। दोस्तों, अगर फैमिली पे बात आती है तो कोई भी हो वो किसी भी बड़े खतरे से टकराने से नहीं घबराता। इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मंगूस वर्सेस कोबरा। दोस्तों, वैसे तो सांप और नेवले की लड़ाई विश्व प्रसिद्ध है, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान की। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर एक नेवला बिल खोदने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी अचानक नज़र यहाँ पर कोबरा पर पड़ जाती है। कोबरा भी उसको देखकर फन फैलाकर उसके आने का इंतजार कर देता है। इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह से कोबरा और मंगूस आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों ही जानवर इतने खतरनाक हैं कि दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं होती पहले हमला करने की, लेकिन तभी ये नेवला ये रिस्क उठा लेता है और सांप पर पहले हमला कर देता है। कोबरा भी काफ़ी अटैकिंग मोड में होता है और अपना फन फैलाकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। इन दोनों की लड़ाई इसी तरह से चलती रहती है। लगता है कि इस लड़ाई में यहाँ पर कोबरा विजेता बन जाएगा, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि मंगूस जो है वो आसानी से हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। और देखते ही देखते यहाँ पर मंगूस ने इस कोबरा का फन पकड़कर नीचे ज़मीन पर
गिरा दिया है। उसके बाद से लगता है इसको शिकार करना और भी आसान हो जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पर कोबरा उसके चंगुल से बचकर भाग जाता है। एलिगेटर वर्सेस पायथन। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से 10 फुट लंबे पायथन को यहाँ पर एक 4 फुट लंबा एलिगेटर किस तरह से धूल चटा रहा है। एलिगेटर ने उसको अपने मजबूत जबड़ों में पकड़ रखा है, जिससे पायथन के बचने की उम्मीद लगभग ना के बराबर है। पायथन काफ़ी कोशिश करता है अपने आप को उसके पंजे से छुड़ाने की, लेकिन मजबूत एलिगेटर के जबड़े कुछ इस तरह से पहने होते हैं कि उनके चंगुल से बचना किसी भी शिकारी जानवर के लिए लगभग नामुमकिन साबित होता है। एक बार कोई एलिगेटर के जबड़ों में चला गया तो समझो वो भगवान को प्यारा हो गया, क्योंकि एलिगेटर एक कुछ इस तरह से शिकार करता है कि शिकार को भी बिल्कुल महसूस नहीं होता। कुछ देर के बाद इन दोनों की लड़ाई कुछ इसी तरह से खूनी मोड़ ले लेती है और वहाँ पर पायथन कोशिश करता है एलिगेटर को जगड़ने की, लेकिन एलिगेटर जो है अपने आप को छुड़ाने में वहाँ पर कामयाब हो जाता है। रैट वर्सेस स्नेक। वैसे तो चूहा और सांप को आपने काफ़ी कम ही लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन जब आपसे ये कहा जाए कि किसी चूहे ने किसी सांप को डराकर भगा दिया तो ये बात सुनने में आपको अटपटी ज़रूर लग सकती है। लेकिन जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से चूहे के सामने सांप को यहाँ पर भागना पड़ता है। जैसे कि इस क्लिप में आप देखेंगे किसी एक सांप जो है वो चूहे के बच्चे को मुंह में लेकर भाग रहा होता है, तभी वहाँ पर उस बच्चे की माँ आ जाती है पीछे से और वो उस पूंछ पर अपने नुकीले दांतों से हमला कर देती है। हमला करने के बाद सांप कुछ इस तरह से घबरा जाता है कि अपनी की हुई शिकार भी वहाँ से छोड़कर भागते बनता है, लेकिन चूहिया इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ने वालों में से नहीं थी और वो सांप का तब तक पीछा करती है जब तक सांप वहाँ से काफ़ी दूर ना निकल जाए। कोबरा वर्सेस चिकन। इस वीडियो में देख सकते हो कि किस तरह से दो जायंट कोबरा यहाँ पर एक चिकन का शिकार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। चिकन जहाँ पर अपने बच्चों के साथ बैठी हुई है तभी वहाँ पर ये कोबरा आ धमकता है। बिन बुलाए आए हुए इस मेहमान को देखकर चिकन काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो कोबरा के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन कोबरा भी कम साते नहीं होता, वो उसके अंडों को अपना शिकार बनाने की कोशिश में लग जाता है। इसी कड़ी में यहाँ पर चिकन और कोबरा के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। कोबरा कोशिश करता है पंजों से फन मारकर उस चिकन को खाने की, वहीं चिकन जो होती है वो अपने पंजों से और नुकीली चोंच से इस सांप के ऊपर हमला करती है। काफ़ी देर के बाद इनकी लड़ाई कुछ इसी तरह से चलती रहती है और आखिरकार सांप लगता है कि हार मानने को मजबूर हो जाएगा और वहाँ से इस तरह के हमले को देखकर सांप वहाँ से चुपचाप दुम दबाकर भाग जाता है। वाटर स्नेक वर्सेस स्नैपिंग टर्टल। दोस्तों स्नैपिंग टर्टल टर्टल की फैमिली का एक ही काफ़ी अजीब प्राणी है जो कि दिखने में काफ़ी खतरनाक होता है। ये आम टर्टल से थोड़ा सा अलग ज़रूर होता है, लेकिन ये स्वभाव के मामले में काफ़ी गुस्सैल होता है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह से वाटर स्नेक के चंगुल में ये टर्टल आ गया था। वाटर स्नेक इसको शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ये दाव वहाँ पर उल्टा पड़ जाता है और यहाँ पर टर्टल ही उस सांप को नोच कर खाने लग जाता है। सांप काफ़ी कोशिश करता है अपने आप को छुड़ाने की, लेकिन जब तक उसके शरीर के दो हिस्से नहीं होते टर्टल उसको छोड़ने वालों से बिल्कुल भी नहीं था। सांप अपनी पूरी दम लगा देता है उस टर्टल के पंजे से खुद को बाहर निकालने की, लेकिन टर्टल पंजे और मुंह से उस सांप की चमड़ी को चीरने लग जाता है। देखते ही देखते वो सांप के पेट को फाड़ देता है और उसके बाद वहां से उस टर्टल के पंजे से अपना शिकार को निकल जाता है। मोल स्नेक वर्सेस हनी वेजर। दोस्तों हनी वेजर को दुनिया के सबसे सातर शिकारियों में माना जाता है। इस शिकारी जानवर के सामने चाहे कितना भी बड़ा शिकार क्यों ना आ जाए ये बिल्कुल भी घबराने वालों में से नहीं है। ऐसा ही होता है यहाँ पर एक मोल स्नेक के सामने यहाँ पर हनी वेजर का सामना हो जाता है। दोनों शिकारी आपस में काफ़ी देर तक युद्ध इसी तरह से जोर आजमाइश करते हैं। इसी कड़ी में स्नेक इस हनी बैजर के माथे पर हमला कर देता है। उसको देखकर हनी बैजर काफ़ी गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आने के साथ साथ ही वो उस सांप का मुंह अपने मुंह में दबोच लेता है। उसके बाद से वो सांप को नोच नोच कर खाने लग जाता है।
सांप को समझ में आ गया होगा कि हनी बैजर को दुनिया का सबसे साहसी शिकारी जानवर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो किसी भी जानवर को देखकर नहीं घबराता और अपने शिकार को बड़ी आसानी से अंजाम दे देता है। दोस्तों, आपकी फेवरेट वीडियो कौन सी लगी इनमें से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं।